अगर शादी भी आ जाए ना मन्नू के मन्नू के साथ। हाँ भी चालू कर दिया ब्लॉग। हाँ और कुछ कहना चाहोगे? हेलो कैसे हो आप सब, आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल हम दिल्ली कार्ड दे के आए थे भाई के घर में, तो आज मैं मम्मी के घर जा रही हूँ कार्ड देने के लिए। तो चलते हैं मम्मी के घर, क्योंकि कल भी दिल्ली गए थे तो मैं कभी बट गए कार्ड तो बांट सकी हूँ। आज फिर मैं कहा मम्मी के घर जाऊँ, क्योंकि मेरे दो भाई यहाँ भी रहते हैं ना गुड़गांव में मम्मी के साथ, तो मैं उनके घर जा रही हूँ कार्ड देने के लिए। तो आइए करते न्यू ब्लॉग की शुरुआत मम्मी के घर। आपको भी जल्दी मिलवाती हूँ अपने परिवार से। परिवार से तो मैं पहले भी मिलवा चुकी हूँ, लेकिन कार्ड देने चलते हैं। तो चलिए अभी अभी बस मैं मम्मी के घर से आई हूँ कार्ड देके शादी का। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो बस सारे इमोशनल हो गए। और दूसरा फिर वो आपको पता है मेरी मम्मी पापा मम्मी भाई वगैरह भाभी बहुत सीधे साधे लोग हैं, तो बस मेरे को वहाँ पे मतलब फ़ोन निकाल के उनके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा। तो बस वो इमोशनल भी थे थोड़े से, तो फिर बस बातें बातें करते मेरे को अच्छा नहीं लगा। भाई वगैरह बैठे हुए थे वो कम मतलब झिझकते हैं थोड़ा सा कैमरे के सामने आने से, तो मैं इसलिए वहाँ आपको नहीं बना दिखा सकी, वीडियो भी नहीं बनाई मैंने वहाँ पे। तो मैं बस घर आई हूँ, तो मैंने घर आके मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज मम्मी के घर दोनों भाई मम्मी और मेरा एक दो भाई हैं मम्मी के साथ कार्ड दे आई हूँ। तो बस अभी अभी घर आके बैठी हूँ, तो बाकी आगे दिखाती हूँ आपको और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और क्या किया तूने? मैं मम्मी घर गई थी पीछे। मैं तो सो रही थी। अच्छा सो रही थी तो बस अभी चाय बनाई है। अच्छा अच्छा मैं बस चली गई, फिर तू सो रही थी। मैं कहा मैं टाइम से निपटा आया थी मम्मी के घर जाके, फिर खाना वाना फिर मम्मी ने खिला दिया था वहाँ पे। बाकी मैं कब आऊंगी तो तेरे को तो जो खाना को बना दूंगी, बना दू कुछ खाना बता दी जब खाना मैं बना दूंगी तो तेरे लिए। हाँ मैं तभी तो मैं चल सोने दे इनको, ये तेरे पास आके बैठी ना मैं ऐसे खुली रहेगी ना खुश है, ऐसे भी तंग करेंगे तेरे को भी मेरे को भी। मैं चल ठीक है खुले रहते हैं तो मतलब हाँ चुप रहते हैं वैसे ड्रामे करते हैं वही। फिर मैं बस पापा ने मुझे बाहर उतार दिया, पापा ने काम पे जाना था कह तू चली जा, मैं चल दो मिनट का पैदल का रास्ता है। फिर मैं रास्ते में मेरे को प्याज और टमाटर नहीं थे, मैं चल ये ले लूँ टमाटर प्याज। तो बस आई फिर बाहर मुझे वो ऊपर वाले मिल गए संजय की मम्मी, पूछ रहे थे कह रहे शादी की तैयारियाँ हो गई। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे कोई काम हो तो हमें ज़रूर बताना। मैंने कहा हाँ जी आपने ही करना है। मैं कहा तो अच्छा वो मेड के लिए बोल रहे थे संजय की मम्मी, कह रहे आपकी मेड आई ना ऊपर भेजना मुझे थोड़ा काम है, मैं भूल जाऊँ तो याद रखियो, बोल रहे थे मुझे। जा रहे हैं दिल्ली अब क्योंकि कार्ड बांटते हैं, तो कार्ड देने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। तो चलते हैं दिल्ली क्योंकि दिल्ली कई कार्ड देने बाकी रह गए थे। उस दिन मैं गई थी तो दिल्ली दे आई थी थोड़े बहुत कार्ड, तो बाकी कुछ रह गए थे। तो अब चलते हैं दिल्ली, मिलवाती हूँ आपको आज अपने रिश्तेदारों से जिनसे मैं मिलूंगी। तो चलते हैं। हेलो कैसे हो पूजा? नमस्ते। बस मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाओ? और सब ठीक है, आप खुश हो ना? हाँ जी हाँ जी पूरा खुश। देखो आज मैं पूजा से मिलने आई हूँ, मैं कार्ड देने के लिए आई थी यहाँ पे, तो पूजा से तो मिलना ही है। और ये हमारे मामी हैं और ये मामा जी, देखो मन्नू के मम्मी पापा। हाँ ठीक है मामी, आप सुनाओ? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ऐसी है फांसी रहती है। हाँ दवाइयाँ खाते रहो। अच्छा दवाइयाँ ना खाओ हाँ वो तो भाई। मनु ठीक है? सब ठीक है। मनु नहीं अंदर रेडी? अच्छा अंदर रेडी हो गया। अच्छा अच्छा आप गए हुए थे शादी पे भी गए हुए थे पीछे ना, मैंने देखा था ब्लॉग में देख रही थी। मगर अच्छा है लुधियाना घूम। हाँ नहीं वो दिख रहा था अच्छा अच्छा लगा। भाप उनके रिश्तेदार में ना निशा के, हाँ निशा है ना इसके मामा के बेटे की शादी। अच्छा अच्छा वो राधे फरीदाबाद है। अच्छा अच्छा लड़की है ना लुधियाना की है। अच्छा तो ये सारे वहीं पे गए हुए थे सारे रिश्तेदार थे। अच्छा अच्छा पानी पी लो। देखिए गाइस मैं आई हूँ पूजा के फ्लोर में, जो पूजा का पर्सनल है मामी के फ्लोर में तो देखा ही हूँ। ये देखिए मैं पूजा के फ्लोर में आई हूँ, मैं क्या आई हूँ तो देख के आऊँ ये पूजा का कमरा। हाँ नहीं अच्छा है। हाँ नहीं सही है और क्या। अच्छा अच्छा छोटा छोटा काम वो तो चलते रहते हैं, छोटे छोटे सजाने का काम छोटा मोटा। बैठ जाते हैं
हाँ मैंने तो दिवाली पे बोला था बंजारा मार्केट आते इतने सजावट का सामान आया हुआ था ना, दुनिया भर का सामान आया हुआ। हाँ हाँ, तो शादी नहीं पड़ जाए उसके बाद फिर आप आ जाना आराम से। हाँ नहीं बिल्कुल सेपरेट चाहिए थोड़ा सा, भी होता ही है, नीचे भी मना नहीं है, फ्लोर बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं, जब बने हुई है चीज तो फिर उसको सेट करने में। हाँ अच्छा, यहाँ कितने कमरे हैं? अच्छा 2 BHK सेम, पर अच्छा है फ्लोर, एक एक फ्लोर सबके पास हो गया, सुनील के पास, मनु के पास, मामी के पास, तीन। हाँ 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 ठीक है, नहीं ठीक है, दो बंदे सारे हो नीचे ही, दो दो तुम, चार बंदे और अलग अलग थोड़ी बनेगा खाना, एक ही जगह बनेगा, नहीं अच्छी बात है। मुझे मामी को भी आपका सहारा है, मैं वही मामी से भी कह रही, मैं कहा पूजा को आपका सहारा और आपको मामा मामी। ये पूजा का बेड है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैंने उसमें उसमें तो दिखाया था मैंने। हाँ ये गद्दे नेल सभी वो कर रखे हैं शादी पे। हाँ नहीं अच्छा है सारा, अच्छा अलमीरा वगैरह सुंदर। हाँ दीदी हो जाएगी, मैं पूजा की गैलरी में खड़ी हूँ और सामने देखो गुरुद्वारा का कितना व्यू अच्छा आ रहा है देखिए, और सुबह उठ के सीधा हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। शाम को तो और अच्छा लगा, लाइट्स वगैरह। हाँ दिन में तो नहीं रखा है, नहीं अच्छा था, मैंने देखा था शादी में। हाँ ये तो हो जाएगा सारा, उसमें क्या धीरे धीरे होगा। ये मनु के पापा हमें फ्लोर दिखाने के लिए आए थे, पूजा भी और मनु के पापा भी कह रहे फ्लोर दिखा के आता हूँ, पर जब तक मनु की मम्मी जो नीचे है वो चाय कह रहे, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी के जाना, मैं कहा ठीक है। बहुत खुश अच्छा, पूजा यहाँ पे बहुत खुश है और पूजा के साथ पूजा की जो सास है जो हमारी मामी लगती हैं वो भी बहुत खुश हैं। मैंने पूछा मामी आप खुश हो, कह रही मैं बहुत खुश हूँ, पूजा के रूप में मुझे बेटी बेटी मिल गई है। मैंने पूजा को देख के भी मुझे अच्छा लगा, वैसे तो देखते रहते लेकिन सामने देखना और बात होती है, पूजा खुश है मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ पूजा आप है, अगर शादी भी आ जाना मनु मनु के साथ। हाँ हाँ और कुछ सबको चलो। हाँ तैयारी तो हो गई। हाँ हाँ बस कपड़े कपड़े सिलने दिए हुए हिना ने तो वही उठाने हैं बस, बाकी तो सारा कर रखा है तैयार। हाँ हमारे भी कपड़े कपड़े सबके मतलब पूरी हो चुकी है बहुत। हाँ मम्मी के वहाँ दो सूट दिए हुए हैं वो उठाने हैं, तो मैं फोन किया था मम्मी को, कह रही मैं एक आध दिन तक फोन कर दूंगी तो वहाँ से फिर उठा लेंगे। और मनु कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? शादी की? हाँ जी थैंक यू थैंक यू। हिना की शादी है, आना आशीर्वाद देना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मैं बस मैं बुला के लाऊं क्योंकि लेट होता जा रहा है। मैंने कार्ड भी परसों से बांटने शुरू किए हैं, बस अभी परसों आई थी मैं दिल्ली में, दो तीन कार्ड दिए, फिर बारिश आ रही थी, फिर हम चले गए, फिर आज ही दूंगी सबको दिल्ली में जो रह गए। तो मैंने कहा चल सबको मिलके भी हाँ तैयारी हो गई है, तैयारी कंप्लीट हो गई है अपनी भी और हिना की भी, बस अब कार्ड बांट के फिर अपना कल परसों है ना, परसों है उनके घर में चौकी है, परसों 3 तारीख को उनके लड़के वालों के घर में, बाकी हम तो घर घर में जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं सीधा शादी पे, सबको शादी पे ही बुलाया है क्योंकि वहाँ गुड़गांव आने का एक तो सबको थोड़ा सा है, फिर घर में ही कर रहे हैं, राहुल का भी थोड़ा सा भी है इसलिए थकावट बहुत 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 थकावट हो जाती है, बाकी हाँ अब जो काम करना है वो तो आपको पता है करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और काम ठीक चल रहा है आपका? शादी बहुत अच्छी एंजॉय किया आपने लुधियाना में? बहुत अच्छी थी। हाँ मैंने देखी थी। हाँ नहीं अच्छा था सारा, वहाँ पे पंजाब साइड का वैसे भी अलग ही एक वो है, दिल्ली में वो खुली जगह नहीं मिलती, पंजाब का तो वैसे ही अच्छा है। हाँ नहीं अच्छा लगा, मैंने देखा था आपको
ये निशा है, जानते हो पूजा की देरान जेठानी, पूजा की जेठानी, जेठानी भी है, बहन भी है, बड़ी बहन, बड़ी बहन, हाँ बड़ी बहन ही है बिल्कुल। मैं तो वही वही तो मैं कह रही हूँ, हमारी फैमिली इतनी मिलनसार है, रिश्तों की जरूरत नहीं है, छोटी बहन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटी बहन वाला रिश्ता बिल्कुल है ही, छोटी बहन आपकी, छोटी बहन ही बन के रहेगी और क्या, वो तो है ही, प्यार रखती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो है ही। हेलो हेलो गाइस, हाय कैसे हो हेलो गाइस, देखो छोटी सी परी हमारी कितनी प्यारी लग रही है, स्कूल नहीं आता, सुबह जाती नहीं है, अच्छा जब उठती है तो उसका पूरा टाइम टाइम निकल जाता है, ठंड भी है ना, बच्चे क्या करें बेचारे, मम्मी सोना, हाँ छोटे बच्चों को तो ऐसे ही है, हमारे बच्चों ने भी ऐसे किया है, मनु से हाय कर रही है, देखो चाचू का है, चाचू कहाँ बाबू, ये रे चलो अच्छी बात है ना, प्यार करती है आपसे, मेरे को ज्यादा प्यार करती है, मैंने देखा है, कहना भी मानती है, देखो मम्मी को बुला लो ना, मम्मी को बुला लो, आ जाओ, हाँ जी बस आ रही है, चाय भी लो, हाँ पुपू नाम रखा हुआ है, मम्मी भी कह रहे थे ना घर पे पुपू कहते थे मम्मी, मुझे तो अच्छा, चाचू किसका है, बता दे, चाचू परी का, किसका, पुपू का, चाचू पुपू का, चाय आ जाओ मम्मी, किसके सो रहे हो, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, क्या कैसे हो, कैंडी कैसे हो, पूछो, तो पहचानती नहीं, अभी देख रही है अभी नया बंदा घर में कौन सा आ गया, बस अभी अभी छोटी बहन के घर से निकले हैं, अब जा रहे हैं दीदी की लड़की के घर, सोनिया के घर पे, जो कंचन की नंद है सोनिया छोटी वाली, उसके घर जा रहे हैं, पटेल नगर में रहते हैं वो, तो मैंने कहा चलो उनको भी कार्ड देके फिर चले, फिर उसके बाद जाएंगे हम मालवे नगर, तो अभी मिलवाती हूँ मैं आपको सोनिया से, जो कंचन की नंद है, हम आए सोनिया के घर पे दीदी की लड़की कार्ड देने के लिए, भी देखो ये उनका घर है कितना सुंदर है, ये बैठे हैं गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, ये उनका घर है, हांजी क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं, क्या सोच रहे, थक गए, थकावट तो हो जाती है, गाड़ियां तो गाड़ियां में आए हैं लेकिन फिर भी थकावट हो ही जाती है, ये है सोनिया दीदी की लड़की, ये शर्मा रही है क्योंकि हर कोई नहीं पसंद करता, वो मैं समझती हूँ, लेकिन मैं मिलवाना चाहती थी आपको, आते इसने खाना खिलाया पहले हमें, आप देखो हमारे लिए समोसे, यही देते हैं, अच्छा अच्छा, तो होगा ना यही था, हाँ, वो भी मांगने में देते हैं, ये बस स्टैंड पे दुकान खुली खाई थी मैंने, वो बहुत मीठा डालते हैं, आज दिल्ली में काफी कार्ड देने थे तो आज बांटते बांटते हमें रात हो गई, तो आपको पता जिस घर में जैसे भी जिस घर में भी जाओ कोई खाए पिए के बगैर वापस आने नहीं देता, जहाँ भी गए किसी घर में चाय पानी किसी घर में रोटी सब खा पी के आए हैं, रात को हम भूख तो नहीं थी लेकिन फिर रात को अब सोने की बारी आई तो वही ना कहेंगे मम्मी मटर वाले चावल बना लो, मटर भी पड़े हैं चावल भी पड़े हैं, तो बस मटर वाले चावल बनाए अभी, तो मैंने कहा चल थोड़े थोड़े हम भी खा लेंगे, तो बस आज काफ़ी थकावट हो गई और काफ़ी कार्ड बट गए, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल मिलते न्यू ब्लॉग के साथ,
और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। थैंक यू।